हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक लैब एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे कि हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फिल करके रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले न्यू बटन पर हम क्लिक करेंगे, ब्लैंक डाटा बेस, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के, हम फिल कर रहे हैं तो मैंने स्टूडेंट के नाम से ही सेव कर दिया। क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। अब टेबल हम डिजाइन व्यू से बनाएंगे तो इसलिए मैंने क्रिएट में जाके टेबल डिजाइन किया। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिया है नंबर, ठीक है। नंबर्स को हम नंबर्स में फिल करते हैं तो यहाँ डाटा टाइप्स में हम एन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। ये जो नंबर्स है किसका है, जैसे स्टूडेंट का है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्टूडेंट नंबर, ठीक है, सिक्वेंस उसका, ठीक है। नेक्स्ट हमने दिया है फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर लगाते हैं, माइनस लगाते हैं तो अंडरस्कोर लग जाता है नेम, क्योंकि स्पेस को नहीं लेता है इसीलिए हमें अंडरस्कोर लगाना है। अब स्टूडेंट का नेम है, फर्स्ट नेम है, तब ये टेक्स्ट में आएगा। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टूडेंट नेम। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि हम क्या फील्ड देने जा रहे हैं। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम देने जा रहे हैं इसलिए मैंने लिख दिया स्टूडेंट फर्स्ट नेम। यहाँ पर हम लास्ट नेम दे रहे हैं, स्टूडेंट का लास्ट नेम, जैसे सर नेम हो गया लास्ट नेम, ये भी हमारा शॉर्ट टेक्स्ट में जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, स्टूडेंट लास्ट नेम, ठीक है। फिर टैब की हेल्प से हम आगे मूव कर सकते हैं। इसमें डी ओ बी मीन्स डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम फील्ड में जाएगी तो हम डी प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, जैसे वहाँ हमने शॉर्ट में लिख रखा है, यहाँ पर हमने कंप्लीट लिखा डेट ऑफ बर्थ, जिससे समझना ईजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम दे रहे हैं एड्रेस, ठीक है। एड्रेस हमारा शॉर्ट टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट मतलब साइज टेक्स्ट का कम होगा, यहाँ हम दे रहे हैं लॉन्ग टेक्स्ट क्योंकि हमें एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, स्टूडेंट का एड्रेस फील्ड। अब एड्रेस फील्ड के बाद हम दे रहे हैं सिटी कि किस सिटी में, तो इसके लिए तो शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने दे दिया स्टूडेंट की सिटी, राइट। नेक्स्ट हमारी फील्ड है स्टेट, किस स्टेट में है, राइट, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में। यहाँ पर क्या दे दिया हमने, स्टूडेंट का स्टेट, ठीक है। इसके बाद हम दे रहे हैं पोस्टल कोड, यहाँ अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे जब दो लिखने होते हैं हमें पोस्टल कोड। ये क्या हो गया हमारा, स्टूडेंट पोस्टल कोड हमारा नंबर्स में हो गया क्योंकि नंबर्स में जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ये स्टूडेंट का क्या है, पिन कोड, ठीक है, पिन कोड। नेक्स्ट फील्ड हम दे रहे हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके मोबाइल नंबर हमारे नंबर्स में होगा और यहाँ क्या लिख देंगे हम, स्टूडेंट का क्या, ये हमारे मोबाइल्स का नंबर, राइट। नेक्स्ट फील्ड हम क्या दे रहे हैं इसमें, जॉइन डेट, जॉइनिंग की डेट, ठीक है। जॉइनिंग की डेट है तो डेट एंड टाइम में जाएगी। यहाँ पर हम क्या दे देंगे, स्टूडेंट के जॉइनिंग की डेट, ठीक है, कि किस डेट में उसने ज्वाइन किया है स्कूल को। इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को फिल करके रख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे, टेबल्स को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं तो हम रिकॉर्ड के नाम से सेव कर रहे हैं, ओके, यस, ठीक है। अब हम यहाँ रिकॉर्ड पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए हमारे डिजाइंस, ये डिजाइंस था हमारा, ठीक है। इस डिजाइंस के अकॉर्डिंग ये हमारी टेबल्स बन गई है। अब हमें रिकॉर्ड फिल करना है, जैसे स्टूडेंट का नंबर, जैसे स्कूल्स के नंबर्स होते हैं इसी तरीके से, जैसे मैंने ले दिया उसका ये नंबर, ठीक है, इस नंबर पर उसका एडमिशन हुआ है। फर्स्ट नेम क्या है उसका, मान लो सोहन है। लास्ट नेम क्या है, मान लो गर्ग है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से ले सकते हैं या हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि उसका बर्थ ऑफ डेट क्या है, राइट। एड्रेस यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। सिटी यहाँ पर लिख सकते हैं हम, स्टेट, ठीक है, पोस्टल कोड, मोबाइल नंबर, ठीक है, जॉइनिंग की डेट, जॉइनिंग की डेट किस डेट में उसने ज्वाइन किया है स्कूल, जैसे ये देखिए, इस तरीके से फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड रिकॉर्ड को भी फिल कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट का एडमिशन नंबर क्या है, इसका जो नेम है वो क्या है, सर नेम इसका क्या है, ठीक है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ हम लिख के भी कर सकते हैं और फिल करके भी कर सकते हैं, ठीक है।
योर डेट ऑफ बर्थ, हम यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, और सिटी, स्टेट और पिन कोड नंबर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, ठीक है, डेट ऑफ जॉइनिंग। इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसी भी रिकॉर्ड्स को फिल कर सकते हैं। अब हमें डिजाइन चाहिए तो हम टेबल में जाकर डिजाइंस को देखेंगे, और हमें अगर ये देखनी है लिस्ट तब हम डाटा शीट व्यू पर देखते हैं। ये देखिए हमारी पहली टेबल ब्लैंक थी, हमने न्यू टेबल क्रिएट की थी, रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से हम टेबल्स को देख सकते हैं। इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन व्यू के मेथड से।